दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी राइटिंग सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट 3 टिप्स लेके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं या चाहते हैं किसी को अट्रैक्टिव करना, अपनी राइटिंग दिखाकर लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं पेपर में आपके राइटिंग में बिल्कुल मार्क्स ना कटे, आपके फुल टू फुल मार्क्स आए, तो हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप करे हुए। दोस्तों, हम इतने रिसर्च के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी राइटिंग एक दिन वर्ल्ड के बेस्ट राइटिंग में से एक होगी, अगर वर्ल्ड के ना तो इंडिया के बेस्ट राइटिंग में से एक होगी। तो दोस्तों, जब हम पेपर पर लिखते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है, वे उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर हमारी राइटिंग अच्छी होगी तो उसे अट्रैक्टिव करता है, उसे आपकी ओर अट्रैक्टिव करता है। अगर वो आपके, मान लो आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आपका चेकर है, पेपर चेकर, अगर आपने अच्छा लिखा है, उसे अच्छा लगा, तो जहाँ पे आपको 3 नंबर देने होंगे तो वो 3 की जगह 4 दे देगा, आराम से दे देगा, प्यार से, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसका दिमाग सही चल रहा है, वो अच्छे से देख पा रहा है और अच्छे से उसको समझ में आ रहा है, तो वो 3 की जगह 4 नंबर देने में ज़्यादा निसंकोच नहीं करेगा। अगर आपकी, आपने बिल्कुल अच्छा लिखा, 5 में से 5 नंबर आने वाला भी लिखा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा उस 5 में से 5 नंबर आने वाले लिखने के। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपने बेशक थोड़ा उससे कम लिखा है, उससे थोड़ा वैसा लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो राइटिंग के भी मार्क्स आपके जुड़ के आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट राइटिंग में से एक आपकी राइटिंग हो, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला तरीका यह है, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं अपने बच्चों को राइटिंग सुधारने के लिए, कि लिखो, दबा के लिखो, पन्ने भर भर के लिखो, रोज़ लिखो, दिन रात लिखो, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आज, कि प्रैक्टिस करने से कभी राइटिंग अच्छी नहीं होती। अगर आप 20 पन्ने 50 पन्ने रोज़ लिखते हो तो उससे राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती। राइटिंग अच्छी करने का सबसे बेस्ट टिप्स है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें सबसे बेस्ट टिप नंबर 1 है, पहला तरीका ये है कि आप थोड़ा लिखें, कम लिखें। जहाँ आप 10 पन्ने लिखते थे वहाँ आप 1 पन्ना लिखें, लेकिन जो आपने 1 पन्ना लिखा है उसे लिखने के बाद पढ़ें और आराम आराम से लिखें, सुधार सुधार के लिखें। मान लो अगर पहले आप 1 पन्ना लिखने में 5 मिनट लगाते थे, तो अब उसे 8 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, लेकिन उसे सुधार के लिखो। अगर आपकी एक बार वो राइटिंग सुधर गई ना, और आपने 8 से 10 मिनट लगा के उसे लिख लिया, और कंटिन्यू आपने 5 मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट रोज़ लिखो, और आपने 15 दिनों तक ऐसा करा, तो 15 दिनों बाद जब आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, और आपको खुद ही लगेगा हाँ भाई अब फ़र्क आ गया है। तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। हमारे जो आगे के तरीके हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर से सुने और ध्यानपूर्वक सुने। सेकंड तरीका है कि आप 3 लाइन वाली, जो बाज़ार में 3 लाइन वाली बुक आती है, तो उसे ले लें और 3 लाइन वाली बुक पे लिखें। बेशक उस पर आप धीरे धीरे लिखें, आपको टाइम लगेगा, रोज़ प्रैक्टिस करें उस पर। अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे और धीरे लिखोगे और अच्छा लिखोगे, तेज़ और ख़राब लिखने से बढ़िया धीरे और अच्छा लिखो। अगर आपकी जो एक बार हैबिट बन गई ना, अगर आपकी हैबिट बन गई तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, फिर वो आपकी परमानेंट राइटिंग हो जाएगी और वो दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट करती जाएगी। तो आप उसे ज़रूर अपनाएं। और एक कॉमन बात ये भी है दोस्तों, कि जब आप राइटिंग लिखते हैं तो जो आपका पेन होता है, पेन के ऊपर कभी भी कवर लगाकर ना लिखें। पेन के ऊपर के हिस्से पे आप लोग ढक्कन लगा देते हो, उससे आपकी राइटिंग पे वजन पड़ता है और आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और उससे आपका हाथ भी जल्दी दर्द करने लगेगा। तो दोस्तों, 4 टिप्स है इसका। चौथा तरीका जो है वो ये है कि लिखते वक्त पेन को कभी भी तेज़ी से नहीं पकड़ना है। अगर आप पेन को तेज़ी से पकड़ते हो तो आपकी राइटिंग हिल जाएगी, मोटी हो जाती है, वो बेकार लगती है, गाढ़ी एकदम। अगर पेन को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, जिससे आप लिख लो और लिखने में कोई दिक्कत ना हो, उससे आपकी राइटिंग सुधरी हुई, साफ़ सुथरी और बिल्कुल चमकती हुई लगेगी। तो दोस्तों, इन्हें ज़रूर अपना। और अगली बात आती है कर्जिव राइटिंग। तो पेपर में कर्जिव राइटिंग का एक अहम ही रोल है। कर्जिव राइटिंग अगर आप लिखते हो तो पर सेकंड में आप एक वर्ड लिख लोगे। अगर आप 100 वर्ड लिखते हो तो आपके 15 मिनट बचते हैं, अगर आपके 100 वर्ड लिखते हो
नॉर्मल राइटिंग और कर्सिव राइटिंग में यही फ़र्क है कि आपके 15-20 मिनट आराम से बच जाते हैं पेपर में। तो दोस्तों कर्सिव राइटिंग का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को एंड तक आपने देखा और इसे ढंग से समझा है तो इन रूल को ज़रूर फॉलो करें, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आपकी राइटिंग इंडिया के बेस्ट राइटिंग में से एक होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो तो हमारे चैनल डियर लर्न को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।